अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ट्रैवल इन्फो वीलॉग। जैसा कि आपको पता ही होगा, स्वीडिश एक कार्टूनिस्ट है स्वीडिश का, जिसकी जो है हाल ही में रोड एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। काफ़ी बुरी मौत मिली है उसे, और मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि वो अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नौज़ बिल्ला कुछ गलत तस्वीर बनाया था 2007 में। 2007 से जो है वो एक पुलिस प्रोटेक्शन में था, क्योंकि उस वक्त काफ़ी बड़ा मामला हो चुका था, काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी उस वक्त पे। यार, इस्लाम एक अमन और शांति का मैसेज देता है हर जगह हर पल। यार, किसी की भी दुश्मनी हम ऐसा कुछ बताते नहीं हैं। हम यार कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर है, और कुरान एक खुली किताब है, और उसमें जो जो भी है एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हर चीज़ बारीकी से बताई गई है। और इसकी मौत एक कार एक्सीडेंट से हुई है। सोर्सेस के मुताबिक इसके साथ दो पुलिस वाले भी थे जो इसके साथ ही मर चुके हैं। सो यार, बोलने का ये मतलब है कि यार 2007 से 2021 लगभग 14 साल बाद आखिरकार उसकी मौत आनी थी, आ ही गई। ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में ही है। इसकी ज़िंदगी यहीं तक थी, यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कुछ टायर पंचर कह रहे हैं, ये लोग को भी कुछ ठीक से मालूम हो नहीं सक रहा है। और ऊपर वाला सब जानता है और हर एक को सज़ा देगा, देर से ही सही पर सज़ा ज़रूर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला के पास हर एक चीज़ का पावर है। ऑल पावर बिलोंग्स टू अल्लाह ताला।